अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत अच्छा बच्चों, आप तमाम लोगों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं हमारे डेप्यूटी ईओ वानी सर का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। और अभी हमारे दूसरे डेप्यूटी ईओ सर के सर ने भी मुझे कहा है कि मैं ज्वाइन हो रहा हूँ, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इनकी मीटिंग जारी है। मीटिंग के जारी रहते हुए भी ये हमारे बच्चों की और हमारे टीचर्स की हौसला अफजाई करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये जाहिर होता है कि इनको भी बच्चों की कितनी तड़प है। ये तो मीटिंग में अभी बिजी हैं, लेकिन के बच्चों के लिए हमारे के सर और हमारे वानी सर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो मैं हमारे तमाम ऑफिसरान का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे बच्चों के बारे में सोचा। तो सर, मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ 22 जिले के बच्चे जुड़े हैं। अभी आप आपके जुड़ने से पहले हमारे औरंगाबाद की एक शबीना ने बहुत ही बेहतरीन स्पीच की। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में उन्होंने चंद बातें बताई, और इसी तरह से हमारे तमाम अजला के जो बच्चे हैं वो बेहतरीन तरीके से हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं, और 200 के करीब बच्चे हमारे रूम में रहते हैं सर। तो ये हमारे बीएमसी ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। हमारे ऑफिसरान श्री, हमारे ईओ श्री महेश पालकर जी और हमारे जॉइंट एमसी श्री सलील साहब, इन लोगों की बहुत ही मेहनतों की और कोशिशों की वजह से आज हमने इन बच्चों को हमारे साथ ज्वाइन किया है। तो मैं हमारे तमाम ऑफिसरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसे जिले महाराष्ट्र के जहाँ पर तालीम बिल्कुल भी नहीं जारी थी, वहां पर हमारे बीएमसी की वजह से ऑनलाइन लिंक पहुंच गई है और ऑनलाइन की वजह से तालीम जारी है। आज भी महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल भी ऑनलाइन तालीम जारी नहीं है, लेकिन हमारी लिंक की वजह से ये तमाम बच्चे इससे फायदा उठा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। तो तमाम ऑफिसरान का तहे दिल से शुक्रिया कि इतनी बड़ी सहूलत इतने सारे बच्चों के लिए हमारे ऑफिसरान ने हमें दी है। वेरी नाइस सर। और बच्चों के लिए मैं ये कहूंगी कि बच्चों, आप लोग रोजाना सुबह 8 बजे से लेके 11:30 तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन बच्चों, सिर्फ जुड़े नहीं रहना है, जो भी आपको आपके टीचर्स यहाँ पर बताते हैं उस पर आपको अमल करना है। जैसे आज का जो दिन है, सबसे पहले तो ग्लोबल हैंड वॉश, और दूसरा है यौम तरगीब मुताला यानी वाचन प्रेरणा दिवस। तो ये भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से मनाया है। एट ए टाइम हमारे 183 बच्चों ने ऑनलाइन हैंड वॉश किया है। ये एक तारीख नसब हो गई है सर के ग्लोबल हैंड वॉश के दिन ऑनलाइन बच्चों ने ऑनलाइन प्रोग्राम में 183 बच्चों ने एक साथ हाथ धोया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम कहीं ना कहीं हमारे बच्चों तक पहुंच रहे हैं। आज कोरोना के एपिडेमिक के दौर में आज हमने बच्चों को तमाम बीमारियों से एहतियाती तदाबीर कैसे इख्तियार करना है ये भी हमने बताया है। तो बच्चों, आपको इसी तरह से हैंड वॉश करना है जिस तरह से आज जो 7 स्टेप्स आपको बताए गए, और जितने सेकेंड आपको हाथ धोना है वो बताएंगे, वो करना है आपको। और वाचन प्रेरणा दिवस आज का दिन है क्योंकि आज हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी है बच्चों। तो आज तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, ये 4 लैंग्वेज हमको एनी हाउ आना ही चाहिए बच्चों। तो ये आज आपको पढ़ना ही है, लेकिन सिर्फ आज ही का दिन आपको ये नहीं सोचना है, रोजाना भी आपको ये पढ़ना है। एक पैराग्राफ रोजाना आपको पढ़ना है जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा हो। चाहे कोई भी किताब रहे, चाहे कोई भी पेपर रहे, कुछ भी चीज हाथ में आए आपको वो पढ़ना है बच्चों, इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो आज ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इमरान फारूक और जीशान का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया,
और ऑनलाइन प्रोग्राम में आप लोगों ने हमारी ये तारीख नसब कर दी है और आगे ये याद रखा जाएगा कि कभी कोरोना हुआ था और कोरोना के जमाने में ऑनलाइन प्रोग्राम हुए थे और इस तरह से हमारी टीम जो है वो हर दिन के ऑनलाइन प्रोग्राम मनाया करती है।